आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आई नजर डालते हैं खबर की ओर। ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा कार्य, ग्रामीणों ने खूब सराहना की। जालौन कोच विकास खंड के ग्राम पंचायत अमीटा में ग्राम प्रधान कमलेश कुशवाहा द्वारा गांव में कराए गए विकास कार्यों को लेकर गांव के लोगों ने खूब प्रशंसा की और बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव में लगातार सफाई अभियान एवं गांव के लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं उनको 24 घंटे के अंदर निस्तारण भी गाँव में ही करा दिया जाता है। वहीं लगभग गाँव में चारों तरफ विकास कार्य प्रगति पर है। वहीं ग्राम प्रधान ने बताया गाँव के कुछ अराजक तत्वों द्वारा गाँव के विकास कार्य में बाधा डालते रहते हैं जिससे सरकारी काम में रुकावट आ जाती है। गांव में बनी गौशाला भी नियमित रूप से संचालित की जा रही है। वहीं गांव को भरपूर खाने की व्यवस्था भी एवं पानी की व्यवस्था बेहतर तरीके से बना रखी है। लालता प्रसाद सलोनिया, मंडल झांसी, ब्यूरो चीफ। क्या नाम है आपका? हमारा कमलेश कुमार कुशवाहा, ग्राम अमीटा प्रधान, विकास खंड कौन। अच्छा, आपके यहाँ के गौशाला में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? गौशाला में हम खुद आते हैं, हमारे जो कर्मचारी लगे हम खुद अपनी देख रेख में काम करवाते हैं। टाइम से भूसा और पानी आने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था ओके रखते हैं हम सभी। आप देख सकते हैं, यहाँ देख लो आप, व्यवस्था बहुत अच्छी रखते हैं हम। गांव में भी काफ़ी विकास करा रहे हैं, चौमुखी विकास हो रहा है गाँव में। कई लोग ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि गाँव में वो शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं। कछु गाँव के कुछ लोग हैं, बाहरी हैं, तो जे लोग गांव में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं कि प्रधान जे खराब कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब झूठ है। धरातल पे देखा जाए हमारा काम तो बिल्कुल हम बहुत अच्छे काम करा रहे हैं सभी काम। तो अभी तक कितने कार्य आपने कराए हुए हैं? कम से कम 3-4 तो हमने इंटरलॉक कराई हैं। एक तो हरजन बस्ती में यहाँ कराई है इंटरलॉक, एक यहाँ अभी हरजन बस्ती है, यहाँ भी इंटरलॉक कराई हमने, और एक मानसिंह दद्दा है वहाँ कराई है, एक हमारे यहाँ SDM साहब हैं उनके द्वारे भी इंटरलॉक कराई है। 4 जगह इंटरलॉक है हमारी, और नाली वगैरह हैं, और जो यहाँ उसमें अपने पंचायत घर में बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है, बहुत कुर्सी वगैरह और कैमरा वैमरा वगैरह हर चीज़ वहाँ लगवाई है। हाँ, हेडपम्प सुधराते हैं, बहुत से हेडपम्प खराब पड़े हुए थे वो हमने सारे हेडपम्प सुधराए हैं। इस तरीके की जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, अराजक तत्व हैं कि गांव में अशांति फैल जाए, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक दो लोग बाहरी हैं और कुछ लोग गांव के हैं जो हमसे रंजिश मानते हैं, वो इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं कि गांव में अशांति फैल जाए, माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं हमारे गाँव का। वो हम सभी अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग अशांति फैला रहे हैं उनके ऊपर जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। क्या नाम भैया? छोटे से। कहाँ के रहने वाले? अमीटा। अच्छा, तो आपके यहाँ किस तरीके के विकास कार्य ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है? सारे काम कराए जा रहे हैं। गौशाला नहीं थी, गौशाला बनी प्रधानी में, वहाँ पे खड़ंजा बिछा, सारी गायों की व्यवस्था होती है, शाम को सब बंद रहती हैं। तो क्या अभी तक के तब जो गांव में कार्य कराए हैं किस तरीके से हैं, क्या क्या कराया जा रहा है? ऐसे सारे काम बढ़िया सुचारू रूप से हो रहे हैं, रास्ते भी बन रहे हैं। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? कमलेश कुशवाहा। पानी साफ सुथरा गायों को मिल रहा है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।